मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपका दानिश शर्मा और आज तारीख है 17 जुलाई और अभी सुबह के बजे 7:30। और मैंने मॉर्निंग का जो मेरा डेली का रूटीन है कि मैं पहले रनिंग के लिए जाता हूँ। रनिंग के बाद जैसी मेरी रनिंग ख़त्म होगी उसके बाद मैं जो मेरा खाने का रूटीन्स है वो मैं आपको बताऊँगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोदी जी ने एक अभियान चलाया है कि इंडिया के लोग अगर फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है, जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, अच्छा खाइए और आगे भी 10 लोगों को ये बातें फॉरवर्ड करें। और मेरा 1 से 2 किलोमीटर की रनिंग होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो अभी बस मैं अपने होम टाउन पहुँचना ही वाला हूँ क्योंकि मैं अभी जहाँ हूँ मेरा होम टाउन है अर्की। आप मेरे बैक साइड देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा एटमोसफेयर है। ये चील के पेड़ हमारे यहाँ, इसको चील का पेड़ बोलते हैं। और थोड़ा बारिश का मौसम हुआ हुआ है, थोड़ा थोड़ी सी जो धूप है वो है, हल्की हल्की धूप देखने को मिलेगी आपको। और बस मैं कुछ ही दूरी पर हूँ और इसके बाद मैं अपना को रूटीन बताऊंगा कि मैं क्या क्या खाऊंगा। अब मैं अपने ससुराल पहुंच गया हूं और यहाँ मेरे जो सास ससुर है उन्होंने मक्खियाँ लगाई हैं यहाँ पर। और ये लोग दो ही लोग हैं जो पूरा ये जो खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये देख रहे हैं आप, मक्खियाँ लगी हुई है और ये इन्होंने खुद ही लगाई हुई है यहाँ पर। अब मैं पहुंचने वाला हूँ। अब इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं आज सोचा है कि पोहा बनाऊं या फिर ऑमलेट। मौर्या क्या है? मौर्या ये मेरा बेटा मौर्या, देखा आपने कितने मजे ले रहा है जिंदगी के। देखो नंगू पंगू, नंगू पंगू पापा, देखो नंगू पंगू पापा मालिश करा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब तक मैं रनिंग करके पहुंचूंगा वो उस पर मालिश करा रहा होगा, अपने नानी की तैयारी कर रहा होगा। मौर्या से हाय। मौर्या अभी छोटा है, नहीं बोलेगा, बस अभी देख रहा है वीडियो की तरफ, काफी फोकस है इसका वीडियो की तरफ। कोई वीडियो कॉलिंग या कोई मेरे डैड अगर दिल्ली से वीडियो कॉल करते हैं तो इसकी जो आंखें बिल्कुल उन पे रहती है और एक्सप्रेशन देता है ये और हंसता है, स्माइल करता काफी। जिगी जिगी करनी पापा, जिगी 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 करनी पापा, जिगी जिगी करनी, जिगी 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 करनी, जिगी जिगी। और मेरी सास मुझे बोल रही है कि जो जूते पहने हुए आपने गोबर वाले सीधा किचन में लिया है, क्योंकि मैंने शूज पहने हुए थे और मैं सीधा किचन में आ गया वीडियो बनाने के चक्कर में। और मेरे ससुर जी ने यहाँ कुत्ता रखा हुआ है जो जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में गाधी कुत्ता बोलते हैं। काफ़ी डेंजर होता है, इनके बड़े बड़े दांत होते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ उसके दांत। मैक्स मैक्स कम, मैक्स कम, वो 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 ओए मैक्स, नो मैक्स नो, ये देखो मैक्स नो 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 मैक्स नो, एलेक्स मैक्स नो मैक्स नो। ये वो गाधी कुत्ता देख रहे हैं आप, इसके दांत देखे आप, ये काफी एक्टिव है और ये परेशान करेगा मेरे को। मैक्स नो और ये काफी इसका मूड बना हुआ खेलने का और मैं थक गया हूँ इस वक्त। मैक्स नो मैक्स नो, लो इसकी जंप देखेंगे आप, तो इसकी जंप काफी अच्छी जंप है गादी कुत्ते की। मैक्स जंप 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 मैक्स, ये जंप। और ये भी आज रनिंग करने गया नहीं, अक्सर मेरे साथ रनिंग करने जाता है ये, लेकिन आज थोड़ा मौसम ख़राब था इस करके जा नहीं पाया।
और मुझे भी काफ़ी अच्छा फील होता है इसके साथ खेल के, क्योंकि मेरी खुद की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और मैं जब तक यहाँ से जाऊँगा नहीं तब तक ये खेलता ही रहेगा। नो नो नो, जंप 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 जंप। ये वो गाती कुत्ते जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। मेरे पास ये मेरे ससुर जी का कुत्ता है गाधी कुत्ता, जो मेरा है, मेरे पास रॉटवाइलर है। और जिस दिन मैं दिल्ली जाऊंगा मैं आपको अपना कुत्ता दिखाऊंगा। रॉटवाइलर रखा है मैंने, और रॉटवाइलर का तो आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी ख़तरनाक ब्रीड है रॉटवाइलर। टॉप टेन की ब्रीड है, सेकेंड नंबर पर आती है। फर्स्ट नंबर पर आई थिंक पिटबुल है, और वो काफ़ी डेंजरस है रॉटवाइलर। ये फिर भी समझदार होते हैं लेकिन ख़तरनाक बहुत होते हैं, क्योंकि इनके जो दांत हैं काफ़ी बड़े बड़े दांत हैं। मैं आपको इधर मैक्स मैक्स नो इधर इधर नो कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसके दांत दिखा पाऊँ, लेकिन ये टच करने नहीं देगा मुझे, ये मुझे टच करने नहीं देगा। ये देखिए आप दांत इसके, ये देखिए दांत, अगर आप आपको दिख पा रहे तो आप इसके जो दांत है देख सकते हैं। ये देखिए दांत इसके, ये दांत आप अगर देख पा रहे हैं क्लियरली तो इतने बड़े बड़े दांत हैं इसके। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसे लगी, आज का जो मेरी रूटीन जो मैंने आपको अपना दिखाया वो कैसे लगा? और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो वाकई में अगर पसंद आई है तो आप मेरी वीडियोज़ को आगे फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की अगर अपडेटिंग चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर एक बेल आइकन का बटन है वो दबाना पड़ेगा। और अब मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ, और कल 18 तारीख को मैं अपनी नई वीडियो डालूँगा। तो थैंक यू गाइस, लव यू सो मच।